मैं वाराणसी से हूँ। हमारी संस्था है स्काई ट्यूटोरियल, जो कि इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी कराती है। ये संस्था पिछले 15 सालों से चल रही है कबीर नगर सुगापुर वाराणसी में। इसके जो फाउंडर हैं मिस्टर पंकज मौर्या सर हैं, जो कि जौनपुर के रहने वाले हैं। वो स्वयं केमिस्ट्री की फैकल्टी हैं। बात करें स्काई ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूट जो है, ये परख स्कॉलर 50 की बैच चलाती है, जिसमें 50 बच्चों को हमारी संस्था फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशन, स्लॉटिंग्स और फूडिंग्स देती है। इसके दो राउंड में एग्जाम होते हैं। जो फर्स्ट राउंड का एग्जाम होगा वो अभी आप लोग के बीच में होगा। देन जो सेकेंड राउंड का एग्जाम होता है वो हमारे हेड ऑफिस पे कंडक्ट होता है। देन जो अभी आप लोग एग्जाम देंगे, इसे देने से बेनिफिट्स क्या हैं ये जानिए। जैसे जो आप लोगों ने एग्जाम दिया, जो बच्चे फर्स्ट सेकेंड थर्ड आते हैं उनके लिए मेडल्स और सर्टिफिकेट्स होते हैं। मैथ स्टूडेंट्स अलग, देन बायो स्टूडेंट्स अलग। देन बात करें, हमारी संस्था आपको स्कॉलरशिप देती है 60% तक का। समझ में आई आप लोग को? आगे बात करें, जो सेकेंड राउंड का एग्जाम होता है उसमें पूरे पूर्वांचल के बच्चे आते हैं एग्जाम देने के लिए। उसमें से 50 बच्चों का सिलेक्शन होता है। जो 50 बच्चे सिलेक्ट होते हैं उन्हें हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से फ्री में एजुकेशन, स्लॉटिंग्स और फूडिंग्स दिया जाता है। आपके बलिया की बात की जाएगी, कि बलिया में देवस्थली स्कूल का नाम सुने होंगे आप लोग। देवस्थली स्कूल का एक 12th का बच्चा है, ठीक है, जो हमारे इंस्टीट्यूट से 2023 में सिलेक्शन लिया था, जो फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ता है। देन बाजी में स्टैंडर्ड पैटल स्कूल है, ठीक है, जहाँ क्लास 10th का एक बच्चा हमारे इंस्टीट्यूट में फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ता है, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए, ठीक है। उसका कुछ नंबर कम आया, जैसे कि जो स्कॉलरशिप होता है, जैसे बच्चे 100 out of 100 पाते हैं, ठीक है, जिसको 100 मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है, ठीक है, 100% डिस्काउंट मिलता है, तो उस बच्चे का, ठीक है, 95 तक था, 100 भी नहीं था, ठीक है। इस कारण उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन फ्री कराया गया है, बाकी लॉडिंग्स और फूडिंग्स का फीस लगता है उसका। लेकिन जो यहाँ देवस्थली का बच्चा है उसके लिए एजुकेशन, लॉडिंग्स और फूडिंग्स ये सब फैसिलिटी बिल्कुल फ्री है। ये बात सुन आई ये बातें। देन बात करें, जो बच्चा 10th में वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में सिलेक्शन लेता है, उसके लिए 11th क्लास 12th क्लास जो बोर्ड क्लासेस होते हैं उसके एडमिशन कराने की जिम्मेदारी, ठीक है, हमारी संस्था लेती है। देन उस बच्चे का फाउंडेशन क्लासेस ये सब बिल्कुल फ्री कराई जाती है हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से। देन हमारे इंस्टीट्यूट का जो 2023 का रिजल्ट रहा है, ये जान लीजिए, जो 2023 का रिजल्ट रहा है, जो बच्चे नीट में सिलेक्शन लिए हैं वो 50+ बच्चों का सिलेक्शन रहा है। देन IITs में 48+ बच्चों का सिलेक्शन रहा है। देन JEE मेंस में 75% बच्चे क्वालिफाइड किए हैं JEE एडवांस के लिए। हमारे इंस्टीट्यूट में फैकल्टी सबके सब IITian प्लस मेडिकोज हैं। बात किया जाए अभी टेस्ट की, तो अभी आप लोगों को क्वेश्चन पेपर प्लस OMR शीट दिया जाएगा। सही बच्चे OMR पे कैपिटल लेटर में फॉर्म को फिलअप करेंगे, स्मॉल में कोई लेटर फिलअप नहीं करेगा। सही बच्चे फॉर्म में अपना नेम फिलअप करेंगे, देन अपना कॉन्टैक्ट नंबर, फादर्स नेम, फादर्स कॉन्टैक्ट नंबर, देन स्कूल नेम, देन कोचिंग, जो मतलब कि जिस क्लास में है, क्लास 12th में है, जो बच्चे मैथ से हैं मैथ पे टिक करेंगे, जो बायो से हैं बायो फिलअप करेंगे। क्लियर क्लासेस की बात समझ में आई आप लोग को? आपका OMR मतलब जो फॉर्म है उस पर, ठीक है, वो फुलफिल होना बहुत ही कंपल्सरी है। अगर फुलफिल नहीं है तो कॉपी जो है कंप्यूटराइज चेक होती है, उस टाइम चेक नहीं हो पाएगी, ठीक है। थैंक यू।